5 साल कैसा कार्यकाल रहा गीता मैडम का? 5 साल में ऐसा कुछ काम नहीं रहा, अब इधर से उधर हो गई तो अब कैसे है। एक भरोसा देके जनता ने उसको जिताई थी, अब मोदी की लहर है तो मोदी तरफ आ गए हैं। सिंहभूम की बात करें तो यहाँ गीता गौड़ा मैडम है, कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुई, क्या कुछ असर पड़ने वाला? जरूर असर पड़ा है, जनता के बीच में कभी नहीं आया है, जरूर इस बार जनता ने जवाब देगा चुनाव में। तो इस बार जो है केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बता रही कि 400 की पार हम जो इस बार आंकड़ा पार करने वाले हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? एकदम जरूर होगा, हिंदू हित का कार्य हुआ तो जरूर होगा। और 400 क्या, मेरे को लगता है पूरा सिटी जीत जाना चाहिए, इसीलिए कहना अभी मुश्किल है कौन सी पार्टी जीत होगी। भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अब नया नया एक उभरता पार्टी है, जे बी के सी एस है, ये भी जो है अपना बहुत जोर शोर से आंदोलन कर रहा है यहाँ के लिए, इसलिए अभी कहना किसी भी ये पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी दल जो है यहाँ जीत हासिल करे। नमस्कार, मैं हूँ दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। देश में आचार संहिता लागू हो चुका है और इसी के साथ हम आज निकल चुके हैं जनता की मत को जानने के लिए कि आखिर जो 5 साल कार्यकाल रहा किस पार्टी ने क्या काम किया है और इस बार की जो जनता की मूड क्या है। तो इसी के साथ आज हम राजनगर में हैं और मंटू होटल के सामने हम खड़े हैं। ये जो है राजनीतिक अखाड़ा कहा जाता है, यहाँ तमाम बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक पंडित जो है यहाँ बैठते हैं, मंथन करते हैं, देश के विषय में बातचीत करते हैं, इकोनॉमी को लेकर, देश की स्पोर्ट्स को लेकर, खेल को लेकर, हर चीज़ को लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसी के साथ सुबह सुबह कुछ भैया लोग जो है यहाँ पर चाय की चुस्की ले रहे हैं, दादा लोग भी हैं, तो इनसे जानेंगे कि 5 साल कैसा रहा देश का और इस बार की जो है हवा किस तरह बहने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश चंद्र बैपाई। सिंहभूम में क्या लगता है? कांग्रेस। कांग्रेसी है। आपका क्या रहेगा दादा? सिंहभूम में बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि बीजेपी राष्ट्रहित में अच्छा काम किया है, देश को बहुत स्ट्रॉन्ग लेके खड़ा किया, देश का अर्थव्यवस्था थोड़ा ऊपर आ गया है। यहाँ की जो गीता गौड़ा मैडम की बात करें तो क्या कुछ लगता है उसके बारे में? हम कुछ नहीं बोल सकते हैं सर, हमको मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं है। कैसा चुनाव में क्या कुछ होगा? इस बार की बीजेपी ही आएगी। अच्छा, केंद्र में। और यहाँ पे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की बात करें, ये यहाँ का आइडिया नहीं है मुझे, केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, आफ्टर 10 ईयर्स उन्होंने काफ़ी अपने देश की जीडीपी को बढ़ाया है और इंफ्रा को भी चेंजेस लाया है, सो दैट बीजेपी ही आएगी। और लोकल के बारे में आइडिया नहीं है, सो दैट मैं उसको नहीं बता सकता। तो इस बार जो है केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बता रही कि 400 की पार हम जो इस बार आंकड़ा पार करने वाले हैं, क्या लगता है क्या होने वाला? एकदम जरूर होगा, हिंदू हित का कार्य हुआ तो जरूर होगा। अच्छा, हिंदू हित को लेकर? हिंदू हित को लेकर हुआ है, अब इनके ऐसा प्राइम मिनिस्टर आने वाला दोबारा नहीं है, ये है नहीं तो योगी जी। और 400 क्या, मेरे को लगता है पूरा सिटी जीत जाना चाहिए। और क्या कुछ काम में देखा जाए तो इसको छोड़कर? इनको छोड़ के हर काम, हर चीज़, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, हाईवे का देखिए, सब कोई चीज़ सब पहले से बहुत ही अच्छा है, चाहे आप एम्स देखिए, चाहे सरकारी कॉलेज देखिए, सब में बढ़ोतरी हुई है। मतलब रोजगार, महंगाई, महंगाई क्या, देश जैसे विकास कर रहा, महंगाई भी तो विकास करेगी। 2024 का जो चुनाव होने वाला है, बहुत कुछ दिख रहा है कि इस बार परिवर्तन हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी भी बहुत जगह फेरबदल होते हुए नजर आया। सिंहभूम की बात करें तो यहाँ मैडम गीता गौड़ा मैडम ने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा, इससे क्या कुछ असर होगा? और केंद्र की जो है बीजेपी कह रही कि इस बार 400 की पार जो है हम लाने वाले हैं, उसका क्या होगा? यह तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगा और 400-500 का ही तो आंकड़ा नहीं बता सकते हम लोग, अभी जब इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ विकास कार्य हुआ है 5 साल में? 5 साल में बहुत कुछ विकास कार्य हुआ है। कैसे? एक दो देखिए, आपका रेलवे का जो है, जितना भी रेलवे का यह हुआ, लाइन बिछा, नया नया काम हुआ, ओवर ब्रिज बहुत बना। दूसरा बात है आपका बड़ा बड़ा शहर में जो NH है, नेशनल हाईवे का काम बहुत हुआ, पहले से तो डेवलप किया है कि मोदी सरकार का 10 साल में पहले से बहुत डेवलप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर देश में। एक देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत काम हुई है, ये आपका ना बहुत काम हुई है। ठीक है, डायलॉग से जाने आइए। 2024 का इलेक्शन सामने है, क्या लगता है इस बार क्या कुछ? इस बार वही मोदी ही आएगा। सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम का गीता गौड़ा जीतेगी, उन्हीं को जिताएंगे। क्या कुछ काम हुआ उनका 5 साल के दरमियान?
उनके द्वारा, उनके द्वारा तो उतना काम नहीं हुआ है, मैंने मोदी के द्वारा जो हुआ है और उसी के ये में मैंने वो इस बार भी आए, तो उन्हीं का इमेज को देखकर वोट बस बस हाँ उन्हीं के। अच्छा आपका क्या राय? अरे देखिए तो एमपी इलेक्शन हो रही है और झारखंड में ऐसा किसी अलग मुद्दा है, यहाँ स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, इसीलिए कहना अभी मुश्किल है कौन सी पार्टी जीत होगी। भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, अब नया नया एक उभरता पार्टी है जे बी के सी एस है, ये भी जो है अपना बहुत जोर शोर से आंदोलन कर रहा है यहाँ के लिए, इसलिए अभी कहना किसी भी ये पर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी दल जो है यहाँ जीत हासिल करेगी। 5 साल कैसा कार्यकाल रहा गीता मैडम का? 5 साल में ऐसा कुछ काम नहीं रहा, अब इधर से उधर हो गई तो अब कैसे है, एक भरोसा देके जनता ने उसको जिताई थी, अब मोदी की लहर है तो मोदी तरफ आ गए हैं, इसलिए अभी कहना ऐसा मुश्किल है, जनता की इधर जनता की रुझान होगी ये सब कहना अभी कहा नहीं जा सकता। अच्छा दल बदल कितना जायज़ है, आपको क्या लगता है दल बदल कितना जायज़ है आपके हिसाब? दल बदल तो जायज तो नहीं है, लेकिन समय के अनुसार, दूसरा उनका यह में अभी मोदी का टक्कर में कोई है ही नहीं है, इसलिए मैंने इस बार वही मैंने उसका ही जीता। देखिए अभी यहाँ सिंहभूम लोकसभा में अभी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट का घोषणा हुआ है और बाकी जो राजनीतिक दलों का कोई भी प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ है। जैसे जैसे प्रत्याशी का घोषणा होगा इसके बाद ही रुझान पता चलेगा कि किधर लोगों का मन जा रहा है। आपका स्तर में बात करें? मेरा स्तर में तो देखिए फिलहाल हम लोग ये जो चुनाव को हम लोग देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि देश का जो शासन मजबूत होना चाहिए और हम लोग नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व का जो बात पूरा देश कर रहा है, दुनिया कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि उसका हाथ मजबूत हो, इसलिए उस पार्टी को हम विशेष ध्यान दे रहे हैं कि अगर फिर से मोदी जी का नेतृत्व में देश अगर विकास होगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए उसको मदद कैसे भी कर सकते हैं वो सोच रहे हैं हम लोग। जनता किस ओर है? 2024 का चुनाव सामने है, जनता तो कांग्रेस की ओर है। सिंहभूम की बात करें तो यहाँ गीतागुड़ा मैडम है, कांग्रेस का दामन छोड़ा बीजेपी में शामिल हुई, क्या कुछ असर पड़ने वाला है और गीता मैडम का क्या कुछ कार्य रहा 5 साल के दरमियान? जरूर असर पड़ा है, जनता के बीच में कभी नहीं आया है, जरूर इस बार जनता ने जवाब देगा चुनाव में। केंद्र की बीजेपी सरकार बता रही कि इस बार 400 की पार, क्या लगता है? सब गलत है, क्यों नाराज है बीजेपी? क्यों नाराज, कहाँ काम हो रहा है कुछ, सेंट्रल ने कहाँ, बेरोजगार इतना हो गया है कि यार मत बोलिए, बेरोजगार लड़का भटक रहा है नौकरी के लिए, कुछ नहीं हो रहा है। बात सामने आ रही कि हाईवेज बना, वंदे भारत ट्रेन चला, ना वो सब करने से नहीं ना होगा, बहुत जमीनी में कहाँ हो रहा है, गांव ग्रामीण में कहाँ हो रहा है, खाली शहर में यहाँ वहाँ करने से नहीं होगा ना, ग्रामीण क्षेत्र में तो हम लोग को देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है, कहाँ ग्रामीण तक विकास नहीं पहुँचा है, नहीं पहुँचा है। गुजरात मॉडल का क्या सच्चाई है, क्योंकि गुजरात मॉडल को देखकर ही 2014 में लोगों ने जनादेश दिया था मोदी जी को, बीजेपी सरकार को, अब तक गुजरात मॉडल कहाँ तक पहुँचा है, पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? इधर कहाँ पहुँचा है भैया, इधर तो पहुँचा ही नहीं है, सेंट्रल का काम ही नहीं दिख रहा है हम लोग का, इधर एकदम नहीं है।